वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम अनपैक करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पावर प्लस क्रेडिट कार्ड को। ये एक फ्योर क्रेडिट कार्ड है। फ्योर पर आप 6.5% की बचत कर पाएंगे इस क्रेडिट कार्ड से। इस क्रेडिट कार्ड पर मुझे क्या लिमिट मिली है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस क्रेडिट कार्ड के, पूरी डिटेल से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। मैं हूँ धीरज, आप देख रहे हैं टेक धीरज। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाला हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम से आप तक पहुंचता रहे। ये मेरे IDFC फर्स्ट बैंक के पावर प्लस क्रेडिट कार्ड का एनवलप, जिसको मैं करूंगा ऑन। इसमें से जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उनको मैं निकाल लिए हैं बाहर। इसके बाद अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा UPI का चिन्ह, मतलब रुपए पावर क्रेडिट कार्ड है। तो UPI से कनेक्ट करके किसी भी बार कोड पर आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वेलकम बेनिफिट ऑफर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। 500 रुपये का कैशबैक और 5% कैशबैक, जो कि मैंने आगे वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया है। यह है मेरे IDFC फर्स्ट बैंक पावर प्लस क्रेडिट कार्ड, रुपए द्वारा पावर क्रेडिट कार्ड है। नाम मेंशन है, बैक साइड में CVV और कार्ड नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। पीछे एक पेपर मिलेगा जहाँ पर मुझे क्रेडिट लिमिट मिली है, जो कि मैं लास्ट में दिखाने वाला हूँ। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो दूसरी साइड यहाँ पर आपको इस कार्ड के बेनिफिट्स दिखाई दिए हैं, जो कि मैंने आगे वीडियो में आके कवर कर दिए हैं। साथ ही आपको एक पेपर मिला है, ठीक है, जिसको मैं देखता हूँ कि जूम कार रेंटल और इको कार और यूरोप कार पर आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और अगर मैं देखूं यहाँ पर तो ये क्रेडिट कार्ड और इसके बैक साइड में जो पेपर है उस पर मुझे 1,62,000 लिमिट मिली है। वेलकम बेनिफिट के रूप में आपको 500 रुपये का कैशबैक मिलेगा जैसे ही इस क्रेडिट कार्ड से पहला ट्रांजेक्शन करेंगे HPCL के फ्यूल स्टेशन पर जाकर। और 5% का कैशबैक आपको मिलेगा जैसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड से पहला EMI ट्रांजेक्शन करेंगे, उस पर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। हाईएस्ट 1,000 रुपये तक आप कैशबैक ले पाएंगे। इस कार्ड के मेन बेनिफिट की अगर मैं बात करूं, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से फ्यूल पर स्पेंड करेंगे तो यहाँ पर आप 4% की सेविंग कर पाएंगे। अगर आप HPPay ऐप के माध्यम से स्पेंड करेंगे फ्यूल के लिए इस कार्ड के माध्यम से, तो वहां पर आप 1.50 रुपये की एडिशनल बचत कर पाएंगे। साथ ही आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज भी मिलेगा जो भी आप स्पेंडिंग करेंगे। कार्ड पर मिलने वाले लॉन्च एक्सेस की अगर मैं बात करूं तो एक क्वार्टर में आपको एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा। बट उसके लिए एक टर्म्स कंडीशन है कि आपको एक महीने में मिनिमम 5,000 रुपये स्पेंड करने होंगे, तभी आपको नेक्स्ट क्वार्टर में एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट क्रेडिट कार्ड पर मिल पाए। ट्रेवल पर मिलने वाले बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो इस क्रेडिट कार्ड पर आपको रोड साइड असिस्टेंट का बेनिफिट मिल जाएगा 1,399 रुपये का। एक साल में आप 4 बार ये बेनिफिट ले पाएंगे। 500 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जूम कार रेंटल पर। 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कार रेंट बुकिंग पर, जिसमें इको एक कार रेंट बुकिंग और यूरोप कार रेंट बुकिंग पर। डाइनिंग पर मिलने वाले बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो 150 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा स्विगी पर। अगर आपका ऑर्डर 500 रुपये से अबो है तब आपको 150 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। मूवी पर मिलने वाले बेनिफिट की अगर मैं बात करूं, इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप स्पेंड करते हैं मूवी के लिए तो वहां पर आपको 25% का ऑफ मिल जाएगा। हाईएस्ट 1 महीने में 100 रुपये का ऑफ ले पाएंगे। रिवार्ड पॉइंटों की अगर मैं बात करूं, इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप HPCL के फ्यूल स्टेशन पर जाकर 150 रुपये स्पेंड करेंगे तो वहां पर आपको मिलेंगे चॉइस रिवार्ड पॉइंट। वही अगर आप यूटिलिटी ग्रोसरी और IDFC फर्स्ट बैंक के फास्ट ट्रैक पर जाकर रिचार्ज करेंगे 150 रुपये का तो वहां पर आपको मिलेंगे 30 रिवार्ड पॉइंट। इसके अलावा अदर रिटेल ट्रांजेक्शन पर 150 रुपये के स्पेंड पर मिलेगा यहां पर 1 रिवार्ड पॉइंट। 1 रिवार्ड पॉइंट की जो वैल्यू होगी 0.25 पैसे के बराबर होगी, मतलब 4 रिवार्ड पॉइंटों की वैल्यू 1 रुपये के बराबर होगी। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर की अगर मैं बात करूं तो वो मिलेगा यहाँ पर 2,00,000 रुपये का। और लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी कवर आपको 25,000 रुपये का इस क्रेडिट कार्ड पर इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इस कार्ड के ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस की मैं बात करूं, ज्वाइनिंग फीस 499 रुपये प्लस GST है और एनुअल फीस भी 499 रुपये प्लस GST है इस क्रेडिट कार्ड का। इस कार्ड पर फॉरेन करेंसी मार्कअप फीस की मैं बात करूं तो 3.5% फॉरेन करेंसी मार्कअप फीस चार्ज किया जाएगा अगर आप फॉरेन में ट्रांजेक्शन करेंगे इस क्रेडिट कार्ड से तो। और ओवर लिमिट चार्जेज की अगर मैं बात करूं तो 2.5% ओवर लिमिट चार्जेज इस क्रेडिट कार्ड पर आपको लगेंगे। और एनुअली चार्जेज की अगर मैं बात करूं तो 42% आपको एनुअली चार्ज पे करना पड़ेगा। एड ऑन कार्ड फ्री रहेगा। कार्ड रिप्लेसमेंट फीस 100 रुपये इस क्रेडिट कार्ड पर लगेगी। और कैश विड्रॉल अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो 199 रुपये प्लस GST चार्ज आपको कैश विड्रॉल चार्ज पे करना पड़ेगा। इस कार्ड पर मेरी ओपिनियन की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल ये क्रेडिट कार्ड ठीक ठाक क्रेडिट कार्ड है। फ्यूल पर आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, ग्रोसरी और यूटिलिटी ट्रांजेक्शन के लिए ये बेस्ट क्रेडिट कार्ड है क्योंकि यूटिलिटी पर लगभग अब सभी बैंकों ने एडिशनल चार्ज लगाना स्टार्ट कर दिया है, बट यहाँ पर आपको वैल्यू बैक मिल रहा है यूटिलिटी पर भी। तो ये क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं।